final match of CCL Comedy and Spirit League Edition 2. As we all know that Telstar has won the toss. और ये फाइनल मैच हम देखने जा रहे हैं धर्मशाला के ग्राउंड में. टीम है मुंबई और दिल्ली. वाकई में कहा जा सकता है पसीने बहुत कोशिश की पर गेंद से बजाओ बैंड. वाकई में अगर कहा जाए तो धुआं छोड़ दी है जमीन यहां की. ओके बहुत ही शानदार शॉट अनिर्बान दास गुप्ता. धर्मशाला की धरती धुआं छोड़ रही है. शानदार चार रन. रोहित की उंगली में प्लग डाल के बटन चालू कर दिया जाए. क्या बात है. भगवान गवाह इस मैच का. और ये चार रन. आपका कहना सही साबित हुआ. ग्राउंड फ्रेंड्स को खिलाया जा रहा है. बस्सी की मिसफील्डिंग और दूसरे प्लेयर को गाली देते हुए छह रन. कहा जा सकता है कि एक अच्छी शुरुआत या कहें कि बेहतरीन शुरुआत कर दी है मुंबई मर्डरर्स ने. बेहतरीन शॉट. वाकई कहा जाए तो बेहतरीन शॉट. अपने कूल्हों से गेंद को बचाया है एक लड़के ने. ओके और आउट माना गया है. आउट हो गए हैं. सलामी बल्लेबाज सौरव सचदेवा वापस परमेलियन की तरफ जा रहे हैं. अरे सौरव नहीं है. सौरव नहीं कौन भाई. और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. चार रन और छह रन से बढ़त हासिल करी है. छह रन ये कमेंटेटर बॉक्स के पास गिरी है गेम. जैसे पांडवों ने कौरव को हराया था वैसे शिवांकित ने गौरव को. और ये भाग रहे हैं और अपील करके अंपायर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं. क्या इन्होंने एक कीमती छक्का उठा विकेट ले लिया है. नहीं चला जो किए. गौरव कपूर और ये चार रन बहुत बढ़िया. मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुंबई की टीम है उन्होंने हीरो को चुना है. बाकी कोयले जो हैं एक काली टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं. ओके ये कर दिया कैच हो सकता. ड्रॉप क्या बात है. शानदार कैच लिया है रोहित रजवाड़ा. और ये नो बॉल बीमार है. छह रन. पीछे की तरफ घुमा दिया है. आए हो कहां से कहां जाओगे पटोही. और एक और छह रन. और छह रन वाकई. और एक और भाई. तीन छक्कों की हैट्रिक. पंत को चार कंधों पे उठाकर कोई छोड़ गया बाहर. फ्लड लाइट पूरी जल चुकी है. और कुल्लू ने शानदार चार रन के लिए. शानदार. ओहो चार रन. फील्डर पूरा घसड़ा गया है. और के आउट का चांस. और ये विकेट कौन गया. कुल्लू आउट पोहा तरी में डूबता हुआ. कुल्लू निकल गया मनाली की ओर. बोल्ड कर दिया है. बहुत प्यारी गेंद. जिसे हम कोयला समझ रहे थे वो एक तांबा निकला. और ये बीट करते हुए. और ये चार रन दे दिए गए हैं. चार रन.
खींच दिया है, बहुत सही पुल शॉट मारा है, हॉकर मार दिया है 6 रन और ये अगेन बीट हुए हैं, ये अनइंटेंशनल शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। एक और 4 रन शिवांके को, 4 रन धूम धड़ाके की आवाज के साथ ही, और ये बहुत बेहतरीन शॉट शुरुआत से ही अपना इरादा बताते हुए, ओ बेहतरीन बॉल बीट हुए पर दोनों जोड़ी बल्लेबाजों को देखकर लग रहा है कि रब ने बना दी जोड़ी, एक आन्हर एक कोढ़ी, और वाकई में बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव किया है आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता बल्ला हवा में उठा दिया है, आप मानो या ना मानो दिल दारा की करदासी, बहुत बढ़िया कट निकाला और क्या बात है, और एक और शॉट जबरदस्त, एक चमत्कार की तरह बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे आकाश गुप्ता के लिए, आज कह सकते हैं कि धर्मशाला की धरती पर एक सूरज का उदय हुआ है, क्या ये आकाश की बढ़िया बल्लेबाजी है कुल्लू की झाटू गेंदबाजी, ओके और ये उल्टा शॉट, ये पुल शॉट मारा है गुरिंदर मरवा ने, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, नो बॉल और 6 रन और 7 रन, 50 रन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे पूरी टीम के, हालात बदल गए, कहा जाए कि कुल्लू पूरा ड्रामा करते हुए अंगद आके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि कोई बात नहीं मैंने भी बहुत घटिया बैटिंग करी थी होता है सबके साथ, आज दिन नहीं है, एक और जबरदस्त हिट, डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, इतना आंखों में मेरे मोतिया बिंद के लक्षण दिखाई देने लगे, एक और 6 कुल्लू पे बॉल चेंज करने का कोई फायदा नहीं और एक और शॉट 4 रन के लिए जाती हुई बॉल, 4 रन के लिए जाती हुई, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, और दिल्ली के डिस्ट्रॉयर्स डिस्ट्रॉय करते हुए, अभी तक दिल्ली की टीम को हम छुई मुई समझ रहे हैं पर ये कैक्टस बन के उभरे हैं, किसकी गेंद में चुभ जाए ऑडियंस में जो दिल्ली, ये और ये बॉल को छोड़कर आते हुए, बॉल को बाउंड्री तक छोड़ के आए हैं कि तुम अकेली मत जाओ और एक और शॉट में 4 रन, किसने मारा 4 रन, गुरिंदर, गुरिंदर बरवा, गुरिंदर बर्थडे मनाते हुए धुएं निकाल दिए हैं, और ये बहुत बढ़िया शॉट, और 6 रन का इशारा, सॉरी 4 रन, और बहुत अच्छा कनेक्शन फिर से 4 रन, आकाश गुप्ता के शानदार चौका, धर्मशाला के आकाश पर आकाश लहरा रहा है, कहते हैं तो धरती का बेटा माना जाएगा, 48 नंबर की जर्सी ने जो कमाल दिखाया है, अरे और ये 4 रन और मार दिया है, उठा के फेंक दिया है बाउंड्री पे, आकाश की 50 हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ही शानदार तालियां, क्या आतिशबाजी वाली पारी खेली इन्होंने आज, और आउट की अपील, एम्पायर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं नहीं, ये मुंबई टीम एम्पायर पे प्रेशर बनाते हुए क्योंकि बैट्समैन पे तो बना नहीं पाया, निकल गया है, और आज यहाँ पे चुल्लू भर पानी में मुंबई टीम को DRS नहीं ORS लेना चाहिए, ये हमारे सब्स्टिट्यूट कमेंटेटर की लाइन है, प्लीज उन्हें क्रेडिट दिया जाए, और ये आउट, आउट डिक्लेयर कर दिया गया है 50 के बाद, आकाश गुप्ता आउट हो गए हैं, क्या वो आकाश गुप्ता के लिए, क्या वो सिर्फ अपनी 50 के लिए खेल रहे थे क्या वो सेल्फिश प्लेयर है, और बड़े बॉय मार दिया है, इट्स अ 6 नहीं 4 का इशारा, अंपायर द्वारा 4 रन का इशारा हुआ है, 4 रन है दोस्तों, गोपाल जी फील्ड सेट करते हुए, देवेश बैट चेंज,
क्या है नए बैट में, वो करिश्मा है या फिर से सिंगल? डॉट बॉल लगता है, डॉट बॉल वाला बैट भेज दिया इन्हें। मेरे ख्याल से मुंबई के पास दो ही ऑप्शन है, हाँ एक और डॉट बॉल, लेकिन अंगद को मंजूर नहीं थी ये डॉट बॉल। और ये छह रन आगे मारा है, छह रन के लिए बहुत बढ़िया छह रन। देवेश गुरिंदर से उनका बैट मांगते हुए कितने हो रहे देवेश? देवेश आप बैट छोड़ के हाथ से ही खेल लो, रिजल्ट सेम होगा, डॉट बॉल। तवा गरम किया जा रहा है। देवेश टेस्ट मैच मोड में आ चुके हैं। अरे गुरिंदर का ही बैट ले ले भाई, धुआं निकल रहा है। और ये छह रन, फुल शॉट। गुरिंदर पाजी की 50 हो चुकी है, 50 रन पूरे गुरिंदर के, और बल्ला उठाकर ऑडियंस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 65 साल की कच्ची उम्र में गुरिंदर ने 50 साल पूरे किए, और पहली बार हुआ है कि गुरिंदर किसी स्टेज या प्लेटफॉर्म पे 50 मिनट टिक पाए हैं। और ये छह रन बहुत बढ़िया। अनिर्बान दास गुप्ता को उन्हीं की मेडिसिन का टेस्ट देते हुए, और ये स्ट्रेट 4 रन, आउट नहीं हुई, समा बांधा, कैच ड्रॉप किया। इतनी घटिया फील्डिंग सिद्धार्थ डुडेजा के द्वारा, दही को रायता कैसे बनाया जाए। ये कॉमेडी में छोटे हैं, आज दिखा दिया क्रिकेट में भी छोटे ही हैं। और ये पीट दिया है कपड़े धोने के अंदाज में, नहीं और सिद्धार्थ डुडेजा ने फिर गेंद छोड़ दी है। सिद्धार्थ डुडेजा ये प्रूव करते हुए कि अंदर से मुझे लग रहा है मुंबई टीम भी अब बस्सी की दारू ही पीना चाहती है। बिल्कुल सही बात है, ये कोने में खड़े थे, इनको पटा लिया गया है। बैंगलोर की टीम से खेलने की इच्छा रखने वाले, और ये 6 रन और छक्का, 6 रन हो गया है, बहुत बढ़िया। ये एक और अच्छा शॉट, और ये छक्का, और ये 4 रन। दिल्ली चैंपियंस के साथ दिल्ली जीत गई, इसी के साथ सीसीएल कॉमनवेल्थ लीग एडिशन 2 आज कांग्रेचुलेशंस द विनर ऑफ सीसीएल एडिशन 2 2024।